कुपोषण और वो भी बाल कुपोषण के मामले में भारत अफ्रीका के सबसे कुपोषित इलाकों से भी पीछे है। इसी महीने 21 जून को लोकसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक लिखित जवाब में ये बात मानी। 3 सांसदों ने सवाल पूछा था कि क्या अफ्रीका के दक्षिणी सहारा क्षेत्र में रहने वाले कम वजन के बच्चों की संख्या से दोगुनी संख्या में बच्चे भारत में हैं, और हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इसके जवाब में मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि यूनिसेफ की विश्व के बच्चों की स्थिति 2016 रिपोर्ट के अनुसार उप सहारा अफ्रीका में 5 साल से कम आयु के 19% बच्चे अल्पवजनी थे, तथा 2015-16 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित NSSO राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के 35.7% बच्चे अल्पवजनी। 5 साल से कम आयु के बच्चों का अल्पवजनी यानी कम वजन का होना बताता है कि वो कुपोषित हैं। तो ये आंकड़ा बता रहा है कि भारत में इस उम्र तक के कुपोषित बच्चे सब सहारा अफ्रीका से लगभग 2 गुने हैं। ये हाल तब है जब भारत की आर्थिक स्थिति उप सहारा अफ्रीका के देशों के मुकाबले कहीं बेहतर है। इसका मतलब है कि बच्चों में कुपोषण दूर करने के मद में जो हजारों करोड़ रुपए आता है वो भोजन के तौर पर बच्चों के पेट में पहुंचने के बजाय रिश्वत के तौर पर किसी और के पेट में पहुंच रहा है। सोचिए किस रफ्तार से ये रिश्वतखोर गबन कर रहे हैं। ये पेट किसके हैं, वो कौन नेता, अफसर, कर्मचारी या ठेकेदार हैं जो ये पैसा डकार जाते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश में इसकी पड़ताल करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ खर्च होने के बाद भी कुपोषण प्रति 1000 बच्चों में से 47 बच्चों की मौत का कारण बनता है, देश में सबसे ज्यादा है। भारत में इसका औसत है प्रति 1000 में से 39 बच्चों की मौत। ये आंकड़े सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS के 2019 के हैं। इसके पहले 2016 में आंकड़े आए थे, तब भी शिवराज के राज में यानी मोहबोले मामा जी के दौर में बच्चों की मौत के आंकड़े यही थे, देश में सबसे ज्यादा। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने श्योपुर से अजय राठौर, धार से मोहम्मद आमीन, आगर मालवा से जफर, मंदसौर से मनीष, सागर से राकेश तिवारी, कटनी से RB गुप्ता, डिंडोरी से सूर्या और छतरपुर से अरविंद, शहडोल से विनय तिवारी के सहयोग से ये तस्वीरें और तथ्य जुटाए गए हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें इथियोपिया, सोमालिया की नहीं जनाब, अपने ही देश की है। SRS की रिपोर्ट फिर से बता रही है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण बच्चों के लिए काल का रूप ले चुका है। राज्य नवजात बच्चों की कुपोषण के कारण मौत के मामले में पहली पायदान पर है, वो भी तब जब 2016 से 2018 तक कुपोषण मिटाने के नाम पर करीब 19,000 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया गया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के श्योपुर से आई हैं। कराहल में रहने वाले सहरिया जनजाति के लोग तो कुपोषण के लिए फोटो फीचर बन गए हैं। जिले में 1226 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, कुछ डे केयर भी। सरकार हर महीने 40 लाख रुपए आंगनवाड़ी केंद्रों को देने की बात कहती है। कराहल विजयपुर में 3 NRC सेंटर भी कुपोषित बच्चों के लिए चलाए जाते हैं, लेकिन हालात साल दर साल कमोबेश एक जैसे। श्योपुर में सहरिया तो शहडोल में बैगा आदिवासी बच्चों की हालत एक जैसी। पूरे संभाग में 45,000 बच्चे कुपोषित बताए जा रहे हैं। 2 महीने पहले सजन बैगा के शरीर में मांस नहीं सिर्फ हड्डियां थी। उसे भोपाल एम्स भेजा गया, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। हमारे यहाँ मातृ मृत्यु दर करीब 200 से ऊपर का है, जबकि हमारे प्रदेश का 161 है, और भारतवर्ष का देख लें तो करीब 100 के आसपास है, 125 के आसपास है। शिशु मृत्यु दर भी थोड़ा सा हमारे यहाँ ज़्यादा है। मंदसौर में 1,22,259 बच्चों में कुपोषण के लक्षण पाए गए। जिले के पोषण पुनर्वास केंद्र में 20 बच्चे फिलहाल एडमिट हैं, जिनमें से अधिकतर अति कुपोषित हैं। पोषक आहार की कमी के चलते अधिकतर मजदूर या छोटे किसानों के बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। ये कमजोर था, कुपोषित में था, इसीलिए मैं NRC में आई। मैं घर गई थी, घर से रेफर ना किया। अपने यहाँ पे एक दिन इलाज चली, इसके और छुट्टी कर दी सर ने। इसको माँ वजन कम था तो यहाँ वजन बढ़ा। इसमें कमजोर था ना, इसलिए ना।
वजन क्या शुरू से कम है, खाने पीने में क्या ध्यान नहीं दे पाते, अब क्या बताया इन्होंने आपको? कमजोर था तो मैं खाना पीना कम नहीं होता। छतरपुर में गढ़ी मलहरा के सूरज अनुरागी की उम्र 3 साल, वजन 1 किलो 800 ग्राम। बाकी बच्चों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। बीते साल मई 2019 तक 32,000 से अधिक बच्चे कुपोषित। यह हालात तब है जब जिले में 2,058 आंगनवाड़ी केंद्रों में लगभग 2,00,000 बच्चे हैं। कुपोषण दूर करने में केंद्र सरकार की योजनाएं जमीन पर दम तोड़ रही हैं। राज्य में आदिवासी बहुल धार के NRC में सबसे ज्यादा 1,300 कुपोषित बच्चे भर्ती हुए थे। सागर जिला कुपोषित बच्चों के मामले में 3रे नंबर पर है। पिछले साल अप्रैल से सितंबर महीने में जिले के 11 NRC सेंटरों पर 1,118 कुपोषित बच्चे भर्ती हुए थे। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में एक भी NRC सेंटर ऐसा नहीं है जहां 100% कुपोषित बच्चे पोषित हुए हैं। ये मध्य प्रदेश का हमारा सबसे बड़ा सेंटर है। कुपोषित बच्चे का एक तो सबसे मुख्य कारण ये है कि जब बच्चा जब पैदा होता है तो पहले घंटे में उसे माँ का दूध, जो पीला गाढ़ा दूध होता है, वो मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल पाता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि 6 महीने तक एकनिष्ठ स्तनपान कराना है, तो वो भी नहीं हो पाता है। और 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपरी आहार की आवश्यकता होती है स्तनपान के साथ साथ, वो भी हम लोग नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हमारे यहाँ कुपोषित बच्चे ज्यादा। गले में लाल और काले धागे के साथ तावीज, डूबी हुई आंखों के साथ पतले हाथ पैर, माया 11 महीने की है, फिलहाल 5.5 किलो की हुई है, होना था 10 के आसपास। झाड़ फूक से वजन बढ़ाने की कोशिश हुई, फिर बड़ी मुश्किल से माँ NRC लेकर आई। 10 बिस्तरों वाले आगर मालवा के NRC में 16 अति कुपोषित बच्चे भर्ती हैं, जिसमें 13 लड़कियां 3 लड़के। हमारे यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा आती हैं, 70-80% लड़कियाँ होती हैं, बाकी लड़के होते हैं। और लड़के जर्नली वो ही आते हैं जिन जो 2-4-5 लड़कियों के बाद पैदा होते हैं, और माँ बाप बहुत ज़्यादा लाड से रखते हैं और वो उनको सही तरीके से नहीं रख पाते, इसलिए वो कमज़ोर होते हैं। इन कुपोषित बच्चों की ज़्यादातर कहानी बेटे बेटियों में भेदभाव से शुरू होती है। अब प्रेम बाई ने 8वीं तक बड़ी बेटी को पढ़ाया, उसकी शादी कर दी। तो ये लड़कियों को सरकारी स्कूल में क्यों भेजते हैं, क्या खौफ रहता, डर रहता थोड़ा सा, तो क्यों आप थोड़ा सा? वो सरकारी में रख लिया अभी, लड़की है इसलिए सरकारी में भेज देते हैं, है ना। अगर मालवा में ही 2.5 साल की प्रियांशु का वजन महज 8.5 किलो है, होना चाहिए था करीब 12 किलो, लेकिन माँ ने NRC में भर्ती नहीं कराया। तो आपने क्यों अभी तक इनको भर्ती नहीं कराया? अभी तक घर के अब घर भी कोई नहीं है ना, तो उस हिसाब से अब मैं जाती हूँ तो घर अब नौकरी माँ के लिए है, सारा मेरे ऊपर ही है। लेकिन वहाँ पे तो जाने का पैसा भी मिलता है आपको NRC में जाने का? वो तो मिलते हैं, अपन घर भी तो चाहिए, एक आध जना घर कोई नहीं। लेकिन बच्चे की फिक्र नहीं है आपको? बच्चों बच्चे की भी है ना। तो आपको जब कुपोषित बच्चे दिखते हैं, नजर आते हैं, कम वजन वाले, अति कम वजन वाले, तो उनके माता पिता को आप क्या सलाह देते हैं, क्या होता है? उनको समझाते हैं, NRC में भर्ती करने का भी कहते हैं और खान पीन के बारे में भी कहते हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा खान पीन दो, पौष्टिक तत्व दो। बच्चे आंगनवाड़ी नहीं आना चाहते, परिवार उनको अस्पताल में भर्ती नहीं कराते, उसकी एक वजह डिंडोरी में दिखी। कुपोषण खत्म करने यहाँ कोदो कुटकी पौष्टिक अनाज से बनी हुई पट्टी दी जाती है। कई आंगनवाड़ी केंद्रों में इसमें फफूंद लग गई है क्योंकि बच्चे से खाना नहीं चाहते, लेकिन स्व सहायता समूह के लोग हर हफ्ते ये थमा जाते हैं। जानकार मानते हैं कि ऐसी बेरुखी से ही कुपोषण खत्म नहीं हो रहा। जब हम शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि किशोरी बालिकाओं के मुद्दों को देखा जाए, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वीमेन के मुद्दों को देखा जाए और बच्चों के मुद्दों को देखा जाए। इन तीनों की योजनाएं टुकड़े टुकड़े में अलग अलग बटी हुई हैं, उनको वर्गीकृत करके एकीकृत करना बहुत ज़रूरी है। ये पहली चुनौती हमारे सामने दिखाई देती है। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारी जो प्लानिंग है, उस पूरी प्लानिंग में समुदाय केंद्रित नियोजन, कम्युनिटी सेंटर्ड प्लानिंग नहीं है। सरकार यही मान के चलती है कि लोग या समाज जो है वो केवल पैसा मांगना चाहता है या उसको केवल और संसाधनों की ज़रूरत है। वास्तव में कई सारे हमारे ऐसी पहल हो सकती हैं जिसमें निवेश की ज़रूरत नहीं है, बजट की ज़रूरत नहीं है। उधर मध्य प्रदेश में बाल विकास मंत्री कहती हैं वो 6 से 7 महीने में अपनी मेहनत से इस कलंक को दूर कर देंगी। जैसे ही हमारे काम चालू होने को आया तो आपने देखा चुनाव आ गया, 4-7 साल लग गई, तो वहाँ में हम थोड़े नहीं देख पाए। लेकिन अब 6-7 दिन से जब से हम फ्री हुए हैं, अब पूरे हम संभाग की मीटिंग ले रहे हैं, पूरे DPO परियोजना अधिकारी सबको बुला के इसकी बात करेंगे। गरीब स्थिति से मैं खुद उभर के आई हूँ, मैं गरीबों की स्थिति जानती हूँ, कुपोषित के हाल जानती हूँ कि किस वजह से बच्चे कुपोषित होते हैं। चाहे छोटे छोटे घर के लोग मेहनत मजदूरी को जाते हैं तो बच्चियाँ बड़ी हो दिखाते हैं तो जल्दी शादी कर देते हैं, और जब हमारी नाबालिग बच्ची की शादी हो जाती है तो वो खुद ही तंदुरुस्त नहीं, तो बच्चा कहाँ से तंदुरुस्त, ऐसे बच्चे कुपोषित भी हो जाते हैं।
वहीं 15 साल राज कर चुकी बीजेपी 6 महीने में व्यथित है। उसे लगता है कांग्रेस ठीक से काम नहीं कर रही। 15 साल हमारी सरकार में हमने प्रयास किया। यदि हम हमारी सरकार की और अभी की और बीच के यदि स्थिति की हम बात करेंगे तो हमें पूरा का पूरा पिछले 20 साल का सिनेरियो देखना पड़ेगा। हमारी सरकार में हमने 15 साल में वो स्थिति बनाई जिसमें अनेक योजनाओं के माध्यम से कुपोषित बच्चों को हमने नॉर्मल बच्चों में तब्दील किया। ये 6 महीने में इस सरकार ने इस विषय में कहीं कोई ध्यान नहीं दिया। ये सरकार तो तबादलों में लगी रही, ये सरकार तो भ्रष्टाचार में लगी रही। इस सरकार के एजेंडे में गरीब का बच्चा, कुपोषण, आंगनवाड़ी, बिजली, पानी, ये कहीं एजेंडे में नहीं था। मध्य प्रदेश में सरकार तो बदल गई लेकिन एक स्तर के बाद कुपोषण के आंकड़ों में घोटाले पर पहली वाली सरकार चुप्पी साधे रही तो अब नई सरकार के लिए भी इसे स्वीकारना मुश्किल है। सबकी कोशिश बस आंकड़ा मैनेजमेंट है। वैसे राज्य में फिलहाल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 10,84,948 बच्चे मध्यम कुपोषित और 1,19,574 अति कुपोषित हैं। कुपोषण एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है जिसे स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए लेकिन अफसोस सरकारें अब आंकड़ों के पीछे छिपने लगी हैं जबकि संविधान सरकार को कहता है कि वो सुनिश्चित करे कि हर बच्चे का जीवन सुरक्षित हो। ऐसे में अगर स्वास्थ्य संकट या कुपोषण की वजह से किसी बच्चे की मौत होती है तो इसकी भी पूरी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की ही होगी। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।